ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, डोमिनो स्टाइल पिज्जा बर्गर। आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये हम एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से भूनने देंगे। जब जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, अब हम इसके अंदर 2 चॉप्ड किए हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी हमने अच्छे से भूनना है। बीच बीच में इसको चलाते रहिए। अब हम इसके अंदर 2 चॉप्ड की हुई गाजर डालेंगे, 2 ही चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च, कैप्सिकम। इनको अच्छे से मिक्स करिए। इनको मीडियम गैस पर ही हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, ये 1/2 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये भी डालकर अच्छे से मिक्स करिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बोल स्वीट कॉर्न, जो कि हमने पहले से ही बॉईल करके रखी हुई है। स्वीट कॉर्न जो हमने बॉईल करनी है वो केवल 5 मिनट्स के लिए करनी है, मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून ओरिगेनो, 1/2। अब हमने क्या करना है, इसको ढक देना है एक ढक्कन से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून टमाटो केचप मिक्स करेंगे। इसको भी अच्छे से सॉल्ट करना है, हिलाना है। अब हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आइए अब बन देखते हैं। हमने 2 बर्गर बन लिए हैं, इनको 2 भागों में कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमने एगलेस मेयोनीज है उसके अंदर हमने 2 ड्रॉप टमाटो केचप डाली है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसको बंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम इसके ऊपर अपनी फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो रखेंगे। बर्गर के ऊपर फिलिंग अच्छे से भरनी है हमने इसके ऊपर, क्योंकि जो बर्गर में टेस्ट है वो हमारा फिलिंग का ही आएगा। ऐसे ही हम दूसरे बर्गर पर भी, अब हम इसके ऊपर मोजरेला चीज जो हमने ग्रेट किया हुआ है वो रख डालेंगे फिलिंग के ऊपर। अब हमने इसको क्या करना है, कवर कर देना है बंस को। हम मोजरेला चीज की जगह चीज स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे बन अच्छे से कवर हो चुके हैं, इनको प्रेस कर दे थोड़ा सा। अब इसके ऊपर हमने टॉप के ऊपर हमने टमाटो केचप डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसको स्पून की हेल्प से हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे टमाटो सॉस को। अब इस टमाटो सॉस के ऊपर हमने थोड़े से चिली फ्लेक्स डालनी है। चिली फ्लेक्स के बाद अब हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे, जिसे कि हम पिज्जा सीजनिंग भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज रख देंगे बर्गर के ऊपर। लीजिए, हमारे चीज बर्गर तैयार है। अब एक पैन लीजिए, उसको ग्रीस करिए ऑयल से, 1 टेबल स्पून ऑयल लेकर। अब इसके ऊपर हम ये अपना बर्गर रख देंगे जो हमने तैयार किया है। अब इसको हमने अच्छे से कवर करना है 3-4 मिनट के लिए और इसको बेक करना है मीडियम गैस पर। 3-4 मिनट बाद देखिए हमारे बर्गर जो पिज्जा है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल लग रहे हैं। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो कृपया कृष्णा फूड एक्सप्रेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।